आज हम बनाएंगे चना दाल की सब्जी। उसके लिए 300 ग्राम चना दाल ले लिए हैं, उसको अच्छी तरह से चुन लिए हैं। इसको 3-4 पानी से धो के रात भर सूखने रख देंगे। रात भर सूखने रख दिए थे, अच्छी तरह से चना दाल फूल गया है। अब इसको पानी से अलग कर देंगे। एक मिक्सी जार ले लेंगे, उसमें डाल देंगे चना दाल, उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, 3-4 हरी मिर्च और टेस्ट के अनुसार नमक डाल के उसको फाइन पीस लेंगे। फाइन पीस के एक बर्तन में सारा पिसा हुआ दाल को निकाल लेंगे। सारा दाल पिसा के रेडी हो गया है। अब एक थाली ले लेंगे, उसमें डाल देंगे सरसों तेल, उसको अच्छी तरह से पूरे थाली में फैला लेंगे। उसके बाद पिसी हुई दाल को थाली में सेट कर लेंगे। थाली में सारा दाल को सेट कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब गैस जला के कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में 2 कप पानी डाल दिए हैं गरम होने के लिए। उसमें डाल देंगे जाली वाला, ऊपर से थाली रख देंगे। इसमें दाल वाला थाली को सेट कर देंगे। ऊपर से एक बड़ा थाली से पूरे दाल वाला थाली को कवर कर देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से स्टीम हो जाए पूरा दाल। 10 से 15 मिनट लगेगा स्टीम होने में। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। निकाल के आधा घंटा तक फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद चाकू की मदद से इसको पीस पीस काट लेंगे। आप जैसा भी काटना चाहें वैसा काट सकते हैं। हम स्क्वायर में काटे हैं। अब कढ़ाई चढ़ा लेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों तेल। उसमें सारा क्यूब डाल के सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद सारा भुना हुआ को निकाल के एक थाली में रख देंगे। इसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। उसमें 1 बाउल प्याज, तेजपत्ता और लाल मिर्च डाल के सुनहरा होने तक भूनेंगे। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल कश्मीरी लाल मिर्च, नमक टेस्ट के अनुसार डाल के 1/2 कप पानी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भुना हुआ प्याज में डाल देंगे और इसको 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे मसाला को। मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब भुना हुआ क्यूब्स डाल के इसको 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे 6-7 मिनट। इसको पकाएंगे 6-7 मिनट हो गया है। ये अच्छी तरह से वो पक के रेडी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे
पिसा हुआ गरम मसाला, मसाला को अच्छी तरह से पूरे सब्जी में मिलाएंगे। उसके बाद ढक के 2 मिनट और पका लेंगे। दो मिनट हो गया है, अब सब्जी बन के रेडी हो गया। अब इसको प्लेटिंग कर लेंगे। ऊपर से हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। बनके तैयार हो गया चना दाल की सब्जी। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।